बदशाहती की, बोल बाबे रहमे चौधरी की, बोल महाकाली माता की। बेटा आज हम संगत के बीच में खड़े हो चौकी पे, बाबे रहमे चौधरी ने और जहरी गोगा जी ने आपके कौन कौन से काम करे हैं और वो काम कैसे हुए हैं, कितनी चौकी भरी है और आपकी सरकारी नौकरी कैसे लगी है बिजली बोर्ड में, और अगला काम भी आपका बच्चे वाला है फोरन कंट्री का, बाबा जी भेजेंगे, पूरी बात की व्याख्यान करनी है आपने, सारी बात समझानी है, कैसे कैसे पीर ने पर्चे लगाए, कितने महीने आप दरबार में चले हो, और सरकारी नौकरी भी आसान नहीं है लगनी, और बाबे ने पर्चा लगाया। लो बेटो, सरकारी नौकरी के लिए मेरे को नौ, गुरुजी ने बोला था कि यहाँ पे नौ चौकियां आपको भरनी पड़ेंगी। सारी संगत को बड़े दिल से मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई है, और सरकारी नौकरी के लिए मैं गुरु दरबार में आई थी और मेरी वो मनोकामना पूरी हुई। और मकान सेल के लिए भी आई थी, मकान सेल होने पे नहीं आ रहा था, किसी ने कुछ ऐसा रख दिया था कि मकान सेल होने पे नहीं आ रहा था, तो मैं गुरु जी के पास आई थी। गुरु जी ने बोला था कि नौ चौकियां और नौ चौकियों के अंदर ही मेरा सारा काम करने लगे थे, मगर चौकियां मैंने पूरी कर ली थी। गुरु जी ने बोला था अगर नौ चौकियां बेटे पूरी नौ चौकियां भरनी है, दो चौकी के अंदर ही मेरा काम बन गया था, मगर मैंने नौ चौकियां पूरी भरी और आज भी मैं सच्चे दिल से गुरु जी के पास आई, पूरी श्रद्धा से आई हूँ। गुरु जी को क्या कहना चाहते हो, भी इनके भी काम बढ़ने चाहिए। जी 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 गुरु जी, मैं कहना चाहती हूँ, अगर सारी संगत को कह रही हूँ, जिसने नौ चौकियां भर दी उसके बारे में आरे हो जाएंगे यहाँ से, ये मेरी अजमाई हुई है। गुरु दरबार में खड़े होकर कह रहे हैं MBBS की बाबा प्रीत जी की दरबार की जय हो। बच्चे को बाहर विदेश की यात्रा सफल तेज रंग परमात्मा सच्चा आप लोग चढ़ती कला के अंदर रखे जी। देखो अपन रोज गाने जाना, प्रोग्राम करने जाना, रोज गाने के लिए जा जी, हम भी रोज गाने के लिए जहां दुनिया के अंदर खर्चा, क्यों अपने गुरु की बदौलत, इस पीर की बदौलत, अपने गुरु की बदौलत कि गुरु जी का आशीर्वाद है। किरणपाल जी अगर गुरु की नजर सिद्धि होगी ना चेले के ऊपर, तो दुनिया की कोई भी ताकत चेले को हटा नहीं सकती पीछे, जब गुरु की निगाह सिद्धि होगी। चेले का क्या फर्ज होगा, अगर मेरे गुरु ने मुझे एक आवाज मार दी तो मुंह में आवाज में निकलने देनी, मैं अपने गुरु जी के चरणों में जल्दी हाजिर हूं। और गुरु का भी फर्ज होगा अगर मेरे चेले के ऊपर कोई पीड़, कोई औखा वक्त आ, भी मैं अपने चेले को गुरु हो गया जो अंधेरी माते कट के चेले को चंगण के अंदर ले जा। और किरणपाल भाई जी कह रहे कि मेरी आप आज खड़े हो जाओ, नहीं चलती कई बार जवान, बहुत पैसा बड़ी जगह कह रहे भी मैंने ला दिया, ऐसे ही बात है, बहुत पैसा ला दिया, कह रहे भी बहुत पैसा बड़ी जगह ला दिया। और मैं जब प्रिंस भगत जी के पास आया MBS दरबार में यमुना नगर, तो यहाँ से आप बिल्कुल ठीक है, कृपा दाता की बिल्कुल जय जयकार है ना मालिक की। और इन्होंने कहा कि रात को 12:30 बजे भगत जी ने मेरे पास से हाजिरी दवाई और मेरे सिर पर जो भी संकट था मैं बहुत तड़प रहा था, क्योंकि जब किसी रूम के अंदर किसी रूम में वास कर लेना तो बड़ा औखा हो जा, एक रूम ही संभाली जाती बंदी बात जी, पता कई लोग कहा कि चीजें नहीं होंगी, पर अगर रब है तो ये चीज भी है, अगर भगवान है ना तो ये चीज भी है दुनिया के अंदर। और प्रिंस बाबा जी ने अपने आशीर्वाद से, रामू गुरु जी के आशीर्वाद से ये भाई को बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया, एक बार ताड़ियां मार दो भगत जी को। और भाई जी कह रहे कि मैं अपनी खुशी के लिए भी मेरे अगे के काम भी जब सिद्ध होंगे, फिर मैं एक स्कॉर्पियो गड्डी, स्कॉर्पियो न्यू मॉडल गड्डी अपने गुरु जी को गिफ्ट कर, हाँ कह रहे हैं।
हाँ कहना भी जब मेरे काम सारे सिद्ध हो जाएंगे मैं स्कॉर्पियो गड्डी अपने गुरु जी को गिफ्ट करूंगा और परमात्मा सच्चा भाई तेन बिल्कुल तंदुरुस्त रखा तेन इतने जोगा करा कि तू अपने गुरु का इज्जत मान बद चढ़ा करा तालियां मारो बाकी मेरा दाता बल्ले बल्ले मेरा दाता इस तरह जी जी गुरु ना माने धन दौलत गुरु ना मांगे धन दौलत गुरु ना पूछे जात गुरु का असली शिष्य होई जो माने गुरु की बात और मैं अपने गुरु जी के लिए दो शब्द एक और बता रहा हूं कि गुरु की गुस्सा होने पर मार भी देते हैं गुरु गुस्सा होने पर ध्यान से सुनना बेटा फिर हमें प्यार से समझा भी देते हैं कि गुस्सा होने पर गुरु मार भी देते हैं फिर हमें प्यार से समझा भी देते हैं और खून का तो रिश्ता नहीं हमारा गुरु से खून का तो रिश्ता नहीं हमारा पर हमारे लिए गुरुदेव जान भी देते हैं हमारे लिए गुरुदेव जान भी देते हैं और एक माँ बाप के अलावा बस एक गुरु ही तो है एक माँ बाप जन्म के गुरु कर्म का एक माँ बाप के अलावा एक गुरु ही तो है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। क्या बात है बाबा जी।